नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी टेलीविजन से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अहमदाबाद में कपड़ा गोदाम में आग के बाद धमाका, 9 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आग के बाद बिल्डिंग में हुए धमाके की वजह से छत गिर गई। अहमदाबाद में कपड़ा गोदाम में आग के बाद धमाका हुआ है, 9 लोगों की मौत हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग के बाद बिल्डिंग में हुए धमाके की वजह से छत गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका भी है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। आग नानुकाका एस्टेट स्थित कपड़े के गोदाम में लगी है। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि गोदाम के बगल में एक बॉयलर में ब्लास्ट होने के कारण आग लगी। घटना में 6 लोगों को बचाया गया है, जिसमें एक ठीक हालत में है और बाकी की हालत गंभीर या वो मृत भी हो सकते हैं। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी खबर हिमालयनी पर आप देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, अहमदाबाद में कपड़ा गोदाम में आग के बाद धमाका, 9 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।